हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों ये है लेनोवो की M10 HD टैबलेट, और जब आप नया टैबलेट लेते हैं तो आप देखेंगे कि होम स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आपको बैक या होम का बटन शो नहीं करेगा, केवल होम का बटन है जो बैक का बटन आपको शो नहीं करेगा। कुछ इस तरीके से आपको एक वन लाइन दिखाई देगी। तो दोस्तों इससे बहुत प्रॉब्लम की होती है, क्योंकि अक्सर हम जो हमारे जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उनमें बैक और होम बटन दी जाती है, और बट इसमें आपको जब आप पहली बार इसे यूज़ करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो इसकी सेटिंग में जाकर के आपको अपने आप से ही लगाना होता है। तो कहाँ मिलेगी वो आपको बैक और होम की बटन, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके सेटिंग में। आपको सेटिंग में जाना है, यहाँ से आप इसकी सेटिंग में जाएं, और सेटिंग में जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ आपको डिस्प्ले, आप देख पाएंगे यहाँ डिस्प्ले शो हो रहा होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप जाएंगे सिस्टम नेविगेशन में। यहाँ आप देख पाएंगे सिस्टम नेविगेशन का बटन है, इसमें जाएंगे। तो अभी जो लगा है जेस्टर नेविगेशन लगा है, बट आप यहाँ और भी इसमें चेंज कर सकते हैं। इसमें 2 बटन नेविगेशन कर सकते हैं यूज, 3 बटन नेविगेशन। तो मैं 3 बटन नेविगेशन को यूज़ करना चाहता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद अब हम देखेंगे तो हमारे यहाँ आप देख पाएंगे तो यहाँ आपको होम और बैक बटन आपको मिल गए हैं। तो अब आप यहाँ से इसका यूज़ करके काम कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, बट अगर ये ना हो तो हमें फ़ोन का यूज़ करने में या टैबलेट का यूज़ करने में बहुत परेशानी होती है। तो आपको इस ट्रिक को यूज़ करते हुए, जैसे मैंने बताया, आप अपने टैबलेट में भी ये फीचर ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।